RLC acceptor circuit complete हो गया. Now we are coming towards RLC rejector circuit. RLC acceptor और rejector एक दूसरे के क्या है? Vice versa है. Clear है? Acceptor circuit क्या करता है? Accept करता है maximum current और rejector क्या करता है? क्या करेगा? Maximum current accept वो कर रहा है तो ये क्या करेगा? Minimum current accept करेगा. Clear है? ये क्या है? सीरीज आरएलसी सर्किट है. तो ये क्या होगा? आरएलसी रिजेक्टर सर्किट क्या है? पैरेलल आरएलसी सर्किट. क्लियर है? समझ में आ गई बात? पैरेलल आरएलसी सर्किट. हमने ब्लैक को करंट से शो किया था, दिस इज योर करंट. क्लियर? एंड ब्लू को हमने शो किया था किससे? इंपेडेंस को. क्लियर? इंपेडेंस के ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज नोन एज इंपेडेंस. हियर ये क्या आपके पास? जब हमने ब्लू को वहां पर इंपेडेंस शो किया तो ये क्या होगा? इंपेडेंस. ब्लू क्या है? इंपेडेंस है. और ये ब्लैक से हमने डिनोट किया, ये क्या होगा? करंट होगा. मैंने आपको बताया था कि आरएलसी रिजेक्टर सर्किट वाइस वर्सा है किसके? एक्सेप्टर सर्किट के. ये एक्सेप्ट करता है मैक्सिमम करंट को और ये क्या करता है? रिजेक्ट करता है मैक्सिमम करंट को. इट इज रिजेक्टिंग मैक्सिमम करंट एंड एक्सेप्टिंग मैक्सिमम इंपेडेंस. This is known what? RLC rejector circuit. इसकी definition भी यही है अगर आप अपने manual में देखें. Rejector circuit is a parallel RLC circuit. It is called rejector circuit because it rejects maximum current at certain frequency called the resonant frequency, or in other words, it offers minimum maximum impedance at resonant frequency. Clear? ये आपके पास definition इन दोनों की. Clear? इसके बाद क्या है आपके पास? इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं. इनकी डेरिवेशन की नहीं है इस पर. अगर इसकी थोड़ी डेरिवेशन देख लें तो ये क्या है आपके पास? Z. Z इंपेडेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? Z से. ये नेक्स्ट पेज पे है. एक्सेप्टर सर्किट की अगर मैनुअल लैब नंबर 7 खोले और उसके लिए पेज नंबर 26 पर देखें तो Z इज इक्वल टू जी आर प्लस ZL, ZC plus ZL. Clear? Z क्या है? Impedance है. Impedance of a resistor, impedance of a capacitor, impedance of a inductor is the overall impedance. Clear? ZR ये क्या है? Real resistance है. तो इसको denote करेंगे directly R के साथ. और ZC क्या है? 1 over J omega C plus 1. ये क्या हो जाएगी? J omega L. Clear? J क्या है? जी जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं आयोटा. आयोटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट होता है सिस्टम का. तो ये क्या इमेजिनरी पार्ट है और ये क्या है कि 1 ओवर जे ओमेगा सी और प्लस जे ओमेगा एल. ओके ठीक है. इसकी अगर हम डेरिवेशन देखें तो आर माइनस जे वगैरह इसमें कुछ डिराइव किया है और ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी निकाल दिया है. ओमेगा क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. क्लियर है? अगर उसको हम प्लेस करें एंगुलर जगह पे तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है एल इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर एफ आर स्क्वायर सी. क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया. इसमें तीन केसेस जनरेट होते हैं. इफ ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इज ग्रेटर देन 0 द लोड विल बी इंडक्टिव. If omega L by minus 1 over omega C is less than 0, it is a capacitor. If omega L minus 1 over omega C equals to 0, the load is purely resistive. Clear? ये complete हो गया. और यही same derivation perform होगी for rejector circuit also. Clear है? यहाँ तक derivation आपकी complete हो गई है. आपकी theory का section complete हो गया है. Now we were forward towards the प्रैक्टिकल फॉर्म. मगर उससे पहले हमने आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में बताना है कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी हमने रखनी है. इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी 6 किलोहर्ट्ज और क्या कहते हैं इसकी जो एम्पलीट्यूड करंट होगा उसका एम्पलीट्यूड आपने रखना इसका कितना 120 माइक्रो एम्पियर्स. क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा करूंगा इसमें उतनी सेम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी आपकी और आपका करंट होगा वही 120 माइक्रो एम्पीयर्स. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल सेक्शन. थ्योरी कंप्लीट होगी. अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इसको बाद में देख लेंगे.